अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो एक मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जो राय तलब की गई थी कि आया सेनेट इलेक्शन खुफिया रायदही से होंगे या ओपन बैलेट होगा, उस पर अपना फ़ैसला महफूज किया था अपनी राय सुनाने के लिए। और आज ये राय सामने आई जिसमें अब ये बात तय हो गई कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए ही होंगे। लेकिन एक और बात जो जिसकी इंटरप्रटेशन है इस फैसले की, वो अपने अपने तरीके से की जा रही है। जहाँ पर इसकी सीक्रेसी क्या हतमी होगी या नहीं होगी, या कोई ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए कि कोई बार कोड आइडेंटिफाई किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो कि किसी तरह से ये बात इलेक्शन कमीशन को पता हो कि आया जो वोट कास्ट हुआ है वो किसका है या किसका नहीं। इसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन है। इस वक्त जो फैसला आया वो कि जो इसमें हतमी बात की गई है वो ये कि सीक्रेट बैलेट होगा, और अपोजिशन इसी बात को बड़ा कैश इन कर रही है कि जो ओपिनियन था, जो गवर्नमेंट चाहती थी, वो था ओपन बैलेट। तो ओपन बैलेट की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आई, लिहाजा ये ऑपोजिशन की फतह है। लेकिन इसमें हुकूमत भी बड़ी हद तक तमाम तर चीज़ को कैश इन करना चाह रही है कि जहां पर ये वाज़े किया गया है कि ये सीक्रेसी हमेशा के लिए नहीं है। अब इसकी इंटरप्रिटेशंस हैं, मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हैं। ये कहना कि कौन सही इंटरप्रेट कर रहा है सारे मामले को, ये भी यकीनन हतमी नहीं है। लेकिन अब सेनेट का इलेक्शन 3 मार्च इज़ द डी डे, और तमाम तर नज़रें हैं उस पर। इसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो ख़ास तौर पर इस्लामाबाद का इलेक्शन है, कि क्या कोई अपसेट वहाँ पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पंजाब से हमने देखा कि अनपोज्ड सारा मामला हो गया, दीगर सूबाई असम्बलियों से भी जो सूरत हाल सामने आएगी, तो क्या आया अपोजिशन कोई अपसेट कर पाएगी या नहीं। और अगर सूबाई असम्बलियों से ऐसा कुछ नहीं होता और तनासब के अतबार से ही सीटें आ जाती हैं, तो फिर जो कौमी असम्बली से वोटिंग होनी है, जिस पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और हफीज़ शेख साहब आमने सामने हैं, वो बड़ा सिग्निफिकेंट होगा कि आया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वहाँ से जीत पाते हैं या नहीं। उन्होंने ख़त लिखे हैं तमाम अरकान कौमी असम्बली को जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको वोट दिया जाए। तो मैं चाहूँगा इस सारे मामले पर हम सेनेट के जो भी डेवलपमेंट्स रही हैं इस सारे मामले पर बात करते आए, आज भी हम इस सिचुएशन पर बात करें। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट मामला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत है, जहाँ पर 2 नाअहली के केसेस हैं। एक तरफ फवाद चौधरी साहब के हवाले से एक जर्नलिस्ट की एक पटिशन है कि उनको नाअहल करार दिया जाए क्योंकि जेलम में कुछ राजी उन्होंने अपने गोशवारों में जाहिर नहीं की। लेकिन दूसरी जानब आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं ने एक पटिशन दायर कर रखी है कि उनको नाअहल करार दिया जाए। और इस पर जो काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है कि उन्होंने ओपिनियन मांग लिया कौमी असम्बली के स्पीकर से और सेनेट चेयरमैन से कि वो अपनी राय दें कि क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। और फिर ये भी सवाल उठाया गया कि इस तरह के मामलात आया अदालतों में आने चाहिए या नहीं, और कोई ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद क्यों नहीं है कि ये मामलात पार्लियामेंट में ही हल कर लिए जाएं, ना कि इनको अदालत में लाया जाए। तो इन 2 चीज़ों पर मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया राना मुबशर साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। सलमान आबिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। और आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप सीनियर कानूनदान हैं। राना मुबशर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले एक अब कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन शायद फैलाई जा रही है या वाकई इस फैसले से कन्फ्यूजन का कोई तासुर मिलता है कि दोनों तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि ये फतह उनकी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो उनके हक में है। आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं सारे मामले? कन्फ्यूजन सूट किसको करती है? सबको सूट करती है जी। और अगर कन्फ्यूजन में रहेंगे तो दोनों पार्टीज जो है, दोनों पार्टीज में मुराद मेरी दोनों साइड के फेंसेस पे जो लोग बैठे हुए हैं, या अपोजिशन में हो या हुकूमत में, सबको सूट करता है। और इसलिए सूट करता है कि जिस जिन लोगों ने वोट डालने हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार रहे, कन्फ्यूजन में रहें। अगर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्लैरिफाई कर दी जाएंगी कि जनाब ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट सामने आ जाएगी चीज़ें, तो फिर वो वहाँ पे तो ख़त्म होगी, गेम ख़त्म हो जाएगी। बट देन अगेन 28 के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस आएंगी, चेंजेस इन अ वे कि आपको यहाँ पे 19-20 का बड़ा थिन मार्जिन होगा, थिन मार्जिन पे यहाँ पे चलेगी गेम सेनेट की। और इस सेनेट की गेम में जनाब आप देखेंगे कि बहुत बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएंगी। फैसले की अगर आप बात करें तो देखें, फैसला जो है, जो मुझे समझ आती है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, लेकिन देन अगेन जो मुझे समझ आती है वो तो ये है जनाब कि आपने सारी जो बॉल है उठा के आपने इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंक दी है। इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन, आप उसको उस पर सारी चीज़ें ऑनस पड़ जाएगा। लेकिन एक बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी बंदा उठ के किसी के भी खिलाफ उठ के जाके कोर्ट में जाके खड़ा हो सकता है। नाउ
हमारी कोर्ट्स में ये जरा इशू है, जिस जो इशू मैं समझता हूँ कि विदाउट यू नो रियलाइजिंग कि क्या एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर्स क्या है. मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि जब तक जज साहब जो है वो खुद नहीं सुनेंगे उनको नहीं समझ आएगी कि जनाब फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है. बट देन अगेन थोड़ी सी कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि हर बंदे के खिलाफ उठ के अगर कोर्ट में जाना शुरू कर दिया जाए, कोई भी उठ के चला जाए ABC, तो कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होगा, जज साहबान का टाइम भी वेस्ट होगा, और वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो इम्प्रेशन है या प्रिसेप्शन है कि जनाब पोते को भी जनाब जाके अगर कोई इंसाफ मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है. लेकिन देन अगेन ये अगर प्रैक्टिस जो है इस पर थोड़ा सा बार लगाया जाए कि कोई भी बंदा सेनेट के इलेक्शन में या फॉर देट मैटर कोई और भी रेगुलर मैटर्स भी हों तो उसमें भी उठ के चला जाए कोर्ट में, तो मेरे ख्याल में कोई मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि बिफोर एक्सेप्टिंग ऑल दीज थिंग्स या एप्लीकेशन या प्ली या किसी के भी, पहले कोई ऐसा मैकेनिज्म बना लिया जाए कि वो जनाब वाकई जज साहिबान का वक्त ज़ाया तो नहीं हो रहा या वाकई सुनने के काबिल वो प्ली है या नहीं है. ऐसे तो लोग जो है तंग होते हैं कि बाद में पता चलता है जनाब तारीखों पर तारीखें पड़ती रहती हैं, बाद में पता चलता है जनाब के एक्चुअल फैक्ट्स कुछ और थे, उसमें 4-6 महीने गुजर जाते हैं और आपने जिसको तंग करना होता है उसको तंग करके रखते हैं. और अगर यही सिलसिला हुआ सेनेट के इलेक्शंस में तो ये सारा जो है ना अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. राणा साहब, जो इस वक्त एक नई बहस ने जन्म लिया है कि सीक्रेसी हतमी नहीं है या हतमी है, ये भी तो एक नई बहस है. मतलब ये गो के मामला थम जाना चाहिए था, ख़त्म हो जाना चाहिए था यहाँ पर आकर कि किस तरह से होने जा रहा है. अब सीक्रेट बैलेट है दिस इज़ फॉर श्योर, बट प्राइवेसी उसकी क्या है, सीक्रेसी क्या है, एक नया पिंडोरा बॉक्स यहाँ खुल गया है. गो के इसको बंद हो जाना चाहिए था लेकिन बंद नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे. सीक्रेसी देखें, एक तो सोशल कंपल्शंस देख लें हमारी, आपने मेरे साथ कोई फेवर की हो, मैंने आपके साथ कोई फेवर की हो, आप सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे हो, मेरी पार्टी डिफरेंट हो, आपकी पार्टी डिफरेंट हो, सो सोशल कंपल्शंस हमारी ये है कि मैं अपनी पार्टी को साइड पे रख के मैं आपके पीछे चलूंगा या आप मेरे पीछे चलेंगे. लेकिन ये होगी सोशल कंपल्शन. एक होगी लीडरशिप की कंपल्शन. लीडरशिप कह रहे हैं जनाब, लीडर कह रहे हैं जनाब इसको वोट डालना है तुमने. अब वो उसमें थोड़ा सा इशू बन जाता है कि मैं आई डोंट लाइक ABC का है और मैं जब फिर भी लीडर कह रहा हूं तो मैं उसके पीछे जाके वोट डालूंगा. वहां पे बड़ा एक बहुत इश्यूज बन गए. सोशल कंपल्शन को अगर मद्देनजर रखते हैं हम लोग और बाकी चीजों को भी मद्देनजर रखते हैं तो क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज में. क्लैरिटी अगर आप नहीं देंगे तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इश्यूज होंगे और इश्यूज इतने सीरियस हो जाएंगे कि इट्स गोना बी अ सिचुएशन फॉर एवरीवन एंड एनीवन. उसमें एक सिचुएशन बन जाएगी. क्लैरिटी लेके आए, क्लैरिटी नहीं होगी तो इशू बनेंगे और उससे किसको फायदा है? उससे फायदा उन लोगों को है जो बाहर बैठे हुए या जो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे स्टेबिलिटी हो. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन. जो मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं किसी बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मुल्क की बात कर रहा हूँ कि मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी होगी तो इशू होंगे. इशू बना के अगर आपने रखा, क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वेरी इंपॉर्टेंट. मैं जरा सलमान आबिद साहब आपकी राय जानना चाहूँगा. क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो इश्यूज होंगे, ये तो एक बिल्कुल जायज़ बात है और यही है मामला. क्लैरिटी आ गई अब क्या या क्लैरिटी नहीं है, आप कैसे सारे मामले को देख रहे हैं? देखिए, क्लैरिटी तो सिर्फ इतनी आई है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए तब्दीली हो सकती है और ये काम पार्लियामेंट में करना है. अच्छा, अब बुनियादी बात जिसकी अभी आपने पूछा है वो इबाम तो मौजूद है ना कि वो जो सिक्रेसी का कॉन्टेक्स है उसको कैसे इंश्योर किया जाए. और वो सारा बार जो है वो अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर डल गया है और इलेक्शन कमीशन को बार बार ताकीद की गई है कि आप आईनी इख्तियारात रखते हैं, आप ही इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें और सिक्रेसी जो है ये हतमी नहीं होती, यानी एक खास वक्त के बाद अगर कोई देखना चाहे तो देख भी सकता है. अब ये सारा काम क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने करना है तो लेट्स सी कि अगले 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन क्या रोल प्ले करता है. अभी PMLN का भी एक वफद जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने, वो अपनी गुजारिशात पेश करेगा. तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना बोझ जो है वो जो सिक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में था या जो मेल प्रैक्टिसेस के कॉन्टेक्स्ट में था उसका बोझ इलेक्शन कमीशन को दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इन तमाम जो करप्शन वाले मामलात हैं, वोट बेचने वाले मामलात हैं, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के पास है कि वो इसको इंश्योर करे कि ये प्रैक्टिसेस ना हो जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस के कॉन्टेक्स्ट में आती हैं. अब इलेक्शन कमीशन उसमें किस हद तक कामयाब होता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये खबरें भी चल रही है ना
कि मिसाल के तौर पे जैसे पंजाब में अनअपोज्ड हो गए हैं, बलूचिस्तान में कहा जा रहा है कि 4 सीटें दे दी गई हैं अपोजिशन को हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से, अगर वो इस पर इतफाक कर ले वो 6 मांग रहे हैं, यही सूरत हाल केपीके के अंदर हो रही है। तो अगर कोई मामला इसी तरह से रिजॉल्व हो जाते हैं जैसे आपने पंजाब के अंदर देखा है तो वो एक और सिचुएशन होगी। अच्छा, फिर तो आपने सुप्रीम कोर्ट में जारी उस बहस की तायीद कर दी कि अपनी अपनी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर आप अपने अपने नंबर्स पूरे कर लें, अगर ये करना है तो फिर वही असूल अपना लें, फिर ये सेनेट के इलेक्शन की जरूरत क्या होती है, जिसके पास जितनी तादाद है उसके मुताबिक देख लें। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर इस इलेक्शन के बाद यानी 3 तारीख के बाद जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं और फिर हम ये शोर सुनते हैं कि यार अरकान असम्बली का सौदे हुए हैं, उन्होंने पैसे ले लिए हैं, उन्होंने खरीद लिया है, इसने खरीदा, उसने खरीदा, धमकाया गया, धौंस हुई, तो फिर ये बहस दोबारा रीओपन हो जाएगी। तो ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है मेरे नजदीक, ये बहस अभी आगे जाके चलेगी और हुकूमत भी देखिए कह रही है कि वो आगे जाके दोबारा पार्लियामेंट को रजू करेगी और पार्लियामेंट ही के जरिए जो है ना वो जो खुफिया बैलेट की के मुकाबले में ओपन बैलेट के लिए वो कोशिशें जारी रखेंगे, उसमें अपोजिशन कितना साथ देती है वो अलग बहस है। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बस जिसे कहते हैं ना दोनों फरीकों के दरमियान रख दिया गया है, अब जो जिसकी जिस अंदाज से तशरीह करना चाहता है वो कर ले, लेकिन एक खौफ तो अरकान असम्बली के ऊपर पड़ेगा और उनको लगेगा कि अगर हमने इस बार कुछ ऐसी हैंकी फेंकी की तो कहीं कोई कानून जो है ना उनके अगेंस्ट में आके खड़ा ना हो जाए, ये एक डर और खौफ तो है अगर इलेक्शन होते हैं और इस तरह की मैल प्रैक्टिस सामने आती हैं। सो लेट्स सी के देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, सर अब चूंकि बीच में सिर्फ आज 1 मार्च है और जिस तरह से आपने कहा 3 तारीख को ये मामला होने जा रहा है तो वक्त बड़ा कम है, आया उसको फुलफिल भी कर पाएंगे अभी या नहीं कर पाएंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। जो बैलेट पेपर्स जो पेपर छापना है जिसपे कहा जा रहा है कि जिस तरह करेंसी नोट के तर्ज पर होता है उस तरह का यह पेपर होगा जिसपे कोई बार कोड होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जो लेटर ऑन आइडेंटिफाई हो सके, तो ये इसको प्रैक्टिकली डूएबल होना भी एक बड़ा सवाल है। आरिफ चौधरी साहब, एक जो बात नॉर्मली कही जाती है कि वोट वही है जो सीक्रेट है, अगर वो सीक्रेट नहीं है तो दैट्स नॉट अ वोट, अब उसकी सीक्रेसी क्या हतमी होती है या हमेशा के लिए नहीं होती, दायमी नहीं होती, अब इस पर एक नई बात हो रही है, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है कि वोट वही है वाकई जो सिर्फ सीक्रेट हो और वो वोटर का सिर्फ हक हो कि उसको पता हो बाकी कोई ना जान सके और कभी ना जान सके, या एक टाइम बार्ड होना चाहिए कि एक टाइम के बाद अगर पता भी लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं? देखिए वोट जो है ना, बहुत शुक्रिया, वोट दो तरह के हैं, अगर ये हतमी होता सीक्रेट तो इसमें फिर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन जो हैं उसमें वोट को इस तरह ना क्लियर किया जाता कि वो साफ नजर आ रहा है क्या कौन किस तरफ है। अब मामला यहाँ एक बड़ा दिलचस्प है, वो ये है कि सीक्रेसी उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी तो जाहिर है कि मेरी राय तो हमेशा से यही थी कि आर्टिकल 226 डील करता है इसको सेनेट के इलेक्शन को और उसमें सीक्रेट बैलेट का तसव्वुर है, उसमें ओपन बैलेट नहीं हो सकता या यानी हाथ खड़ा करके शो ऑफ हैंड्स के जरिए या नहीं हो सकता इलेक्शन, तो चलो वो तो ऐसा हुआ। जो यहाँ पर एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक राना मुबशिर साहब, आपसे जानना चाहूँगा ये तो खुफिया बैलेट और जो मामला या सबके लिए कुछ ना कुछ इस राय में है कि कैश इन कर सकें, अपोजिशन अपने तय ये कह सके कि जी हम ठीक हैं और हुकूमत अपने तय कह सके कि जी हम बेहतर, हमारी जो राय थी या मामला था वो बेहतर है। अब सर तमाम तर नज़रें जो हैं वो मरकूज़ होंगी इस्लामाबाद के इलेक्शन पर, क्योंकि उससे जो भी नतीजा आता है वो इस बात का तयन करेगा कि आगे मामलात किस सिमत में जाने हैं। कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं और क्या कोई जो ख़बरें हैं इस्लामाबाद में उनके मुताबिक जितना इस वक्त एफ़र्ट्स कर रहे हैं गिलानी साहब और जितने वो पुराने असम्बली के मेंबर रहे हैं, जो उनका तजुर्बा है, ताल्लुकात हैं, उसकी बुनियाद पर आप समझते हैं वाकई वो कोई अपसेट करने की पोजिशन में हैं? मैं आपको एक आपके प्रोग्राम में एक दो एक्सक्लूसिव खबरें दे देता हूँ, शेयर कर लेता हूँ आपसे। देखिए यूसुफ रजा गिलानी साहब को आज से कुछ रोज पहले एक ऐसे
बहुत बड़ी शख्सियत जो कि उनके दौरे हुकूमत में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क के, आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे इस मुल्क के, पीपल्स पार्टी इस मुल्क में हुक्मरानी कर रही थी, उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ एक फैसला आता है। और मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जो फैसला आया था उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसकी तफसील बताने के लिए, उसको जनाब तफसीलन सामने लाने के लिए कि जनाब वो फैसला आपकी अगेंस्ट नहीं था, बहुत बड़ी शख्सियत उस वक्त की जिन्होंने नाको चने चबवा दिए थे हुकूमत को, यूसुफ रजा गिलानी को, यूसुफ रजा गिलानी को उसका फोन आता है, ठीक है जी, और यूसुफ रजा गिलानी को वो बंदा कहता है कि जनाब अगर आप इजाजत दें, अगर आप हुक्म दें यूसुफ रजा गिलानी साहब, तो आपके जो फैसला आया था जो उस वक्त जो उस मैंने या ये समझ लें कि उस वक्त के जो लोग बैठे हुए थे करता धरता फैसले देने वाले, वो जो फैसला आया था वो जो आपके खिलाफ समझा जाता है उसको मैं तफसीलन सामने ला के बयान करना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दें तो। मैं इससे ज्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन द पॉइंट इज इसके अलावा थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि उस वक्त के दुश्मन यूसुफ रजा गिलानी के आज उनके दोस्त बनने के लिए तैयार बैठे हुए, चले इस तरह कह देते हैं, और उस वक्त के दुश्मन इस तरह कि उन्होंने बहुत से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुकूमत के लिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए, यूसुफ रजा गिलानी के लिए, यूसुफ रजा गिलानी को जनाब उनके खिलाफ फैसले आते हैं, उनको जनाब उसको सामने फरोल के सामने रखने से तैयार नहीं कि जनाब उस वक्त जो फैसला आया था वो ऐसे नहीं था, ऐसे था। अब मैं लोगों को आके मीडिया के सामने आके बताना भी चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात की है मैंने आपको, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता उस शख्सियत का क्योंकि वो फिर ऐसी बेचारे खराब होंगे, लेकिन एनीवेज वैसे भी बड़ी खराब हो चुके हैं सर, बड़ी हद तक वाजे हो रहा है नाम लिए बगैर भी। अच्छा थोड़ी सी ये है, इसके आगे बताऊं मैं आपको कि यूसुफ रजा गिलानी जो थे, यूसुफ रजा गिलानी कभी भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे सेनेट का। जिस दिन उनको नॉड मिला, जिस दिन उनको अश्योरेंस मिली कि आप सेनेट का इलेक्शन जीतेंगे, उस दिन यूसुफ रजा गिलानी ने इस सारे खेल में जंप इन किया, ये मैं आपको खुल के बता रहा हूं। और वो अश्योरेंस जो थी कि जनाब आप सेनेट का इलेक्शन जीतेंगे, वो आसिफ जरदारी साहब ने दी थी यूसुफ रजा गिलानी साहब को। अब ये दूसरी चीज आपको मैंने बता दी। तीसरी बात ये है जनाब, ये सर यहां पर राना साहब, ये सियासी बसीरत थी जरदारी साहब की कि वो ये अश्योरेंस दे सकते थे, क्योंकि अश्योरेंस तो नहीं इस तरह मिल सकती, वो तो कोई और पावर सेंटर्स हैं जहाँ से अश्योरेंस मिल सकती है, जरदारी साहब कैसे अश्योर कर सकते थे? उत्थे ना लैके जाओ ना, तुम मैं किस पास लैके जाना चाहते हो, मैं तुम्हें इतनी बढ़िया बढ़िया खबर लेती ने, तुम वो जिस तरफ आप मुझे लेके जाना चाह रहे उस तरफ मैं नहीं जाऊँगा, मैं उसमें आपसे आप बिल्कुल ना जाए, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ राना साहब कि आसिफ अली जरदारी साहब कैसे इतनी अश्योरेंस दे सकते हैं, मुझे ये सिर्फ दूसरी तरफ नहीं जाते, सिर्फ इस पे बात कर लेते हैं। मैं अश्योरेंस देखें जी, आसिफ जरदारी इसलिए दे सकते हैं कि आसिफ जरदारी जो है अभी तक जितने कार्ड प्ले कर रहे हैं अपने, बड़े 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 कैलकुलेटेड कार्ड्स प्ले कर रहे हैं वो, और पिछले 4-6 महीने से इतने कैलकुलेटेड कार्ड जो है ना कोई लीडर नहीं प्ले कर रहा। आप देख लें नवाज शरीफ साहब आते हैं वो हेड ऑन जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ठीक है, उसके अलावा जनाब मरियम बीबी आती हैं वो हेड ऑन जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ठीक है जी। आप देख ले आसिफ जरदारी की, मुझे कोई एक स्टेटमेंट बता दें जो आसिफ जरदारी हेड ऑन गए हो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, नहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। आसिफ जरदारी इस मुल्क में 5 साल हुकूमत करते हैं, ठीक है, किसी जर्नैल के साथ आसिफ जरदारी ने अपने सींग नहीं फंसाए, ठीक है। ये चीजें ऐसी हैं जो इससे आगे भी बहुत कुछ है जो आजकल हो रहा है वो डेफिनेटली आप देखें। एक और भी चीज जरा जहन में रखें, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हो सकती हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, मैं उसके आगे नहीं जाऊंगा, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हो सकती हैं जो मिली हो आसिफ जरदारी को और फिर आसिफ जरदारी आगे चले हो, ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक ठीक है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि आसिफ जरदारी बैठे हो जनाब किसी जगह पे कोविड की वजह से और आसिफ जरदारी साहब जनाब पिछले 2 साल से चुप करके चुप कर रोजा रख के 2.5 साल से पूरे 3 साल से चुप कर रोजा रख के बैठे हो, कभी इस अदालत में जा रहा है आसिफ जरदारी साहब, कभी उस अदालत में जा रहा है, और एकदम आसिफ जरदारी साहब इस्लामाबाद में आके एक्टिव हो जाते हैं और खानों पर लोगों को बुलाना शुरू कर देते हैं यूसुफ रजा गिलानी के लिए। डेफिनेटली जो आप बात कह रहे थे मैं उधर ही आ जाता हूँ,
डेफिनेटली कहीं ना कहीं से उन्हें नॉड मिली है, कहीं ना कहीं से सिग्नल मिला है, इसलिए आसिफ जरदारी एक्टिव हुए। नहीं तो आसिफ जरदारी एक्टिव नहीं होते, इस तरह नहीं एक्टिव होते। और आसिफ जरदारी हमेशा वहां पे आके खेलते। अब मेरा जो सवाल था उसका तो जवाब मुकम्मल तौर पे आ गया, उसका जवाब मुकम्मल तौर पे आ गया कि ये एश्योरेंस मिली थी। अब कोई मुझे दूसरा सवाल ही नहीं है कि फिर किसी ने जरूर दी होगी एश्योरेंस, दी बिल्कुल दी होगी। ऐसे आसिफ जरदारी साहब नहीं हिलते जब तक आसिफ जरदारी साहब को एश्योरेंस ना हो कि मैं अच्छे खुल के खेल सकता हूँ। आसिफ जरदारी साहब नहीं खेलते नोइंगली। फ्रॉम द लास्ट 28-29 साल का अपने जर्नलिज्म के कैरियर को सामने रखते हुए और इनको देखते हुए आसिफ जरदारी साहब को, मेरा नहीं ख्याल कि आसिफ जरदारी साहब को एश्योरेंस ना मिली हो कहीं से, या आसिफ जरदारी साहब ये ना समझते हो कि मेरे लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन चुकी है या बन रही है। उस वक्त तक आसिफ जरदारी साहब हाथ नहीं डालते चीजों में, आसिफ जरदारी साहब हाथ डाल रहे हैं। गिलानी साहब फिर तो बाजार ये नजर आ रहा है कि गिलानी साहब अपनी सीट जो है वो 3 मार्च को बड़े आराम से जीत जाएंगे, लेकिन ये फिर बड़ा अपसेट हो जाएगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए। आरिफ चौधरी साहब की जाने बढ़ूंगा। चौधरी साहब, एक तो आपकी जो राय थी वो ज़रा बड़ी हद तक नामुकम्मल रह गई। मैं चाहूँगा कि पहले फैसले पर भी ज़रा तफसीली कानूनी एंगल से अपनी राय देते, फिर आगे पढ़ते हैं। जी, फैसले पर कानूनी राय मेरी ये है कि ये फैसला जहाँ तक इसकी सीक्रेसी एब्सोल्यूट ना होने वाली बात है उसे बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है, और वो ये है कि वोट भी होगा और वोट सीक्रेटली डाला जाएगा, लेकिन उसमें इख्तियार होगा उसके पास, एतराज करने वाले के पास, जो भी उनका नुमाइंदा वहां मौजूद होगा जिसको वो पोलिंग एजेंट भी बना सकते हैं या खुद यानी पार्टी का हेड जो है, अगर वो समझता है कि किसी का वोट वो चेक करना चाहता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको अर्ज करूं, तो वो कह सकेगा कि जनाब मैं वोट ये चेक करना चाहूंगा। उसकी वजह यह है कि वोट की सीक्रेसी इस तरह हो नहीं सकती कि आप अगर फर्ज करो किसी को ये करें कि जनाब वहां वो वोट डाल दे और वोट डालने के बाद उसमें कोई निशानी लगी हो तो सीक्रेसी ना रही, और वोट जब बैलेट बॉक्स में चला गया तो उसके बाद उसे आप दोबारा देख नहीं सकते और उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता बगैर किसी निशानी के कि ये वोट किसका है। तो उसमें चूंकि अब तक जितनी राय भी सुप्रीम कोर्ट की आई है उसको अगर दोनों चीजों को इकट्ठा पढ़े, पहली बात के सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि भाई आपने क्यों नहीं ये सीक्रेट बैलेट वाला कॉन्सेप्ट जो है इसको क्यों नहीं बदला, आपने जब आपस में एक वायदा किया तो उसके बाद यानी आपने वायदा कि आज क्यों आपको याद नहीं आती, आज आप उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सारे हकायक आए जिसमें करप्शन और पैसे का रोल सेनेट के इलेक्शन में वो बहुत ज्यादा हर एक ने कंडेम किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी महसूस किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार तो दिया है इलेक्शन कमीशन को और वो इख्तियार का इस्तेमाल जो है वो इसके अलावा मुमकिन नहीं है कि आप, क्योंकि साथ ही साथ ये भी जेहन में रखें कि जो पार्टी है उसको हक हासिल है कि ये जो कहा जा रहा था कि वो किसी का राजी किसी ने किया और उस पर सोशल कंपल्शन और वोट, ऐसी सोशल कंपल्शन हो नहीं सकती, उसकी वजह यह है कि ये लोगों ने वोट दिया है, अगर किसी को मैंडेट दिया है हुकूमत करने के लिए तो वो मैंडेट उसका आगे भी चलता है, ये नहीं है कि नीचे आप पार्लियामेंट में आपकी अक्सरियत हो और ऊपर जाके सेनेट में जहां बिल फाइनली असेंट होना है वहां आपको महरूम कर दिया जाए। तो इसलिए ये चीज जो है इसको रोकने के लिए इख्तियार होगा उस रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पास, और उसे इतराज करने वाला जो है वो ये इतराज कर सकेगा, और अगर वो समझता है कि किसी का वोट जिसका जिस तरफ जाना चाहिए वो नहीं जा रहा तो उसके बाद उस शख्स के खिलाफ तहकीकात के लिए अप्रोच किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होगा कि वो उस तरह की कार्रवाई कर सके जिसमें नायब भी वो साहब ये तो बड़ी कंफ्यूजन है जब कोई शख्स पाबंदी नहीं है सेनेट के इलेक्शन में कि वो पार्टी लाइन पे वोट दे, और अगर वो नहीं भी देता तो उससे आप सवाल नहीं कर सकते, और अब आप क्या उससे सवाल करेंगे या आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? पार्टी लाइन से आज के अगर कोई शख्स वोट देता है और उसके ऊपर ये इल्जाम आता है कि इसने ये वोट सेल किया, वोट सेल करने का तो किसी को इख्तियार नहीं है, अगर सेल करने की साबित हो जाती है बात के वो सेल करता है तो फिर वो नहर भी हो जाता है क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं रहता।
तो उसको ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज इस सीक्रेसी को एक्सपोज करने का कोई फायदा नहीं है, कोई मानी नहीं है। तो ये जिसका हवाला दिया जजमेंट का और साथ ये कहा है कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस वो सिर्फ ये इख्तियार हासिल है उस शख्स को कि जो ये समझता है कि ये वोट उसे मिलना चाहिए, और वो ये बजा तौर पर समझता है, चूंकि जब पार्टियां होती हैं तो पार्टियों का मैंडेट सेनेट तक होता है, ये किसी को इख्तियार, चूंकि जब पार्टी किसी को टिकट देती है तो वो आपने देखा कि ये प्रोपोर्शनेट अंदाज में नहीं हुआ सारा मामला पंजाब के अंदर कि भाई जितनी आपकी सही, लेकिन चॉइस ऑफ बात असल यही होगी कि अगर किसी का वोट मर्जी की तरफ नहीं किया तो फिर ये साबित करना होगा कि ये वोट उसने बेचा है, ये इसके सिवाय पेश करने होंगे तभी कार्रवाई हो सकती है, अदरवाइज कर सकते बेचने की बात साबित कर दे, असल मसला भी बेचने को साबित करना है, और उसके लिए अगर उनके पास एविडेंस होगी तो स्टार्ट तो इसी से होगा ना, जब पता चलेगा कि वोट इसने नहीं दिया, उसके बाद अगली उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो साबित करे कि ये वोट जो है उसने पैसे के जरिए बेचा है। पॉइंट आ गया आपका, जो यहाँ पर एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक, मैं सलमान आबिद साहब आपसे जानना चाहूँगा, अब ज़रा इसको सम अप करते हैं और फिर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज की कार्रवाई की जानिब बढ़ना है। बुनियादी मकसद चाहे हुकूमत थी चाहे अपोजिशन थी चाहे मामला राय मांगी गई, वो था कि आया शफाफियत आ जाएगी सेनेट इलेक्शन में या नहीं आ जाएगी, जो समातें होती रहीं फोकस शफाफियत पर था, सवाल शफाफियत पर रहा, फैसले में भी शफाफियत की बात की गई है, आया अब भी जो 3 मार्च को होने जा रहा है उसमें शफाफियत यकीनी होगी और आने वाले वक्तों में भी होगी या नहीं, अब भी बहुत इबहाम रहेगा, बहुत सवाल रहेंगे। देखिए, एक तो पाकिस्तान में ओवरऑल इलेक्शन प्रोसेस जो है ना उसकी शफाफियत के ऊपर तो हमेशा से सवाल रहे हैं, लेकिन आज के फैसले के बाद जैसे अभी आरिफ चौधरी साहब कह रहे थे, एक तो बहरहाल जब कोई ये साबित करने में कामयाब हो जाएगी कोई पार्टी कि उसके फलां उम्मीदवार ने पैसे लेकर अपना वोट बेचा है और उसके पास अगर एविडेंस होंगे तो इलेक्शन कमीशन की मदद के साथ वो उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं और फिर उसको नाहिल भी करा दिया जा सकता है। तो एक दरवाजा तो आज के फैसले ने खोल दिया है, जब जो कल तक कहा जा रहा था कि ये वोट सीक्रेट है और इसको किसी भी तरीके से इसकी जांच पड़ताल नहीं हो सकती, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये दरवाजा रीओपन तो किया है और कहा है कि जनाब ये जो वोट है इसकी सीक्रेसी जो है, अगर एक पार्टी हेड दरखास्त करेगा उसके पास उसको डाउट होगा तो वो एविडेंस पेश करेगा, एविडेंस यानी मफरूजों की बुनियाद पे नहीं, एविडेंस की बुनियाद पे, तो काफी फर्क हमें नजर आएगा। और ये जो इस वक्त अभी आपको चारों सूबों में नजर आ रहा है जोड़ तोड़ के हम बिला मुकाबला तरीके से जो है ना एडजस्टमेंट कर ले, ये उसी का जी बिल्कुल, इसकी वजह वही है कि जो नजर आ रहा है कि एडजस्टमेंट हो जाए, और वो शायद यही जिस तरह से सलमान आबिद साहब कह रहे थे कि जहाँ पर एक आगाज़ है कह लीजिए, गो कि ये अभी मामला हतमी नहीं है। जी सलमान साहब प्लीज़ कंटिन्यू सर। जी मैं ये कह रहा था कि ये अभी एक जिसे कहते हैं ना आगाज़, जिसे आपने कहा आगाज़ है, लेकिन ये डर और खौफ तो रहेगा पाकिस्तान। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर 3 तारीख के बाद सियासी जमातों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारे वोट कम हो गए हैं, हमारे वोट बिक गए हैं, हमारे लोगों को खरीदा गया है धौंस धांधली धमकी के साथ, तो फिर ये बहस रीओपन हो जाएगी। आपकी बात पहुंच गई कि ये बड़ा सिग्निफिकेंट होगा कि अब 3 मार्च को क्या होता है, और एक दरवाज़ा ज़रूर खुल गया है, गो कि ये बड़ा लंबा और कठिन सफ़र है अब भी, पहले तो ये था कि कोई तरीकाकार ही नहीं है कि आप जान सकें, अब आप जान सकेंगे, लेकिन हतमी तौर पर ये साबित करना विद एविडेंस बहुत एक कठिन सफ़र होगा, लेकिन एक आगाज़ है जो कह लीजिए कि हो गया है। राना मुबशिर साहब आपसे जानना चाहूँगा, सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समात हुई आज 2 नायलियों की, अभी जरदारी साहब के हवाले से हमने बड़ी तफसील से बात की, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें भी दी, ये पीटीआई वाले एक मामला लेकर गए और फिर फवाद चौधरी साहब के हवाले से हमारे एक सहाफ़ी दोस्त वो भी एक मामला लेकर गए हैं, और फिर अदालत भी ये सवाल कर रही है कि आप ये मामला अदालतों में क्यों लेकर आते हैं, क्या पार्लियामेंट के फोरम पे इन मामलात को हल नहीं किया जा सकता, आप कैसे देखते हैं इसको, बिकॉज इट्स वेरी सिग्निफिकेंट।
देखें, I would abstain to comment on this thing because ये subjudice हो चुका है, क्योंकि इस वक्त अदालत में पहुंच चुका है ये मसला. So मैं इस पर comment करता हुआ अच्छा लगता नहीं हूँ, और मैं थोड़ा सा इससे परे रहूँगा. But then again, जो observation है court की वो बिल्कुल ठीक है कि अगर ये मसले मसाइल जो है वो अंदर लोअर हाउस में या अपर हाउस के अंदर ही इनको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, या फिर प्रॉबेबली सॉर्ट आउट इसलिए नहीं होते हुए नज़र आते लोगों को जो प्ली लेके जाते हैं कोर्ट्स में, कि वहाँ पे शायद जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वहाँ पे असर्ट कर लेंगे या अपना असर सूख इस्तेमाल कर लेंगे, इसलिए वो उन दरवाज़ा खटखटाते हैं वो कोर्ट्स का. बट देन अगेन, मैंने जैसे पहले जिक्र किया था, मैंने आप पहले रिक्वेस्ट की थी कि देखें जो केसेस हैं, मैं इस केस की पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा, ये दो दो केसेस हैं इनकी बात नहीं कर रहा, उसके अलावा भी बात करो, लोग उठते हैं उठ के जनाब कोई भी प्ली लेके, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, वो जाके अदालतों का दरवाज़ा खटखटा देते हैं. कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसको वे कर लिया जाए, कि जनाब जजेस का टाइम वेस्ट ना हो, कि वो वाकई जो प्ली है वो इस काबिल है कि जज साहिबान जो है उसको सुने या तारीखें दें, या उसको अपना टाइम उस पर उनको स्पेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. हो ये रहा है इस वक्त कि जिसका दिल करता है वो उठता है, मैं इस दो पर्टिकुलर केसेस की बात नहीं कर रहा, जिसका दिल करता है वो उठता है, किसी ना किसी एबीसी बंदे को पकड़ता है, उसके खिलाफ जनाब दरख्वास्त दे देता है अदालत में, अदालत बाउंड होती है, वो कहती है जी ठीक है बुला लो जी, तारीखों पर तारीखें पड़ती रहती है, पता चलता है 4-6 महीने इसमें चक्कर में गुजर गए, जो प्ली लेने वाला था वो गलत था, जिस पे जिसको टारगेट किया गया था वो बेचारा ऐसे ही धक्के खाता रहा, और क्या हुआ, क्या बोझ मजीद पड़ा अदालतों पर. आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मामला सब जुडिस है, हम जो सारा मामला है उस पर बात नहीं करते, लेकिन हम इस एंगल पे तो ज़रूर बात कर सकते हैं ना कि हमारा पार्लियामान कब मेच्योर हो जाएगा, इस पर बात कर लेते हैं, उसमें क्यों मेच्योरिटी हमें नज़र नहीं आ रही और एक खेंचा तंग हली तो नहीं हो रहा. ये अगर आप सोच रहे हैं कि जनाब अभी फौरी तौर पे हो जाएगा, समथिंग विल गो राइट ओवरनाइट, आई डोंट थिंक सो, दैट्स गोना हैपन. इट्स गोना टेक अ व्हाइल, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर जाके कहीं चीज़ें मेच्योर होना शुरू होंगी. और अभी हमारी उम्र ही क्या, अभी तो 72-74 ईयर्स एज है हमारे मुल्क की, और आप कहें जनाब अभी हम मेच्योर होना शुरू हो जाए, नहीं ऐसे नहीं होता, इट्स गोना टेक अ व्हाइल, और वो अभी थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसे नहीं होगा. राणा साहब, क्या आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम? चले वक्त तो लगेगा, क्या हर गुजरते साल के साथ बेहतरी आ रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, या हम उल्टा रिवर्स गियर लगा के पीछे की तरफ जा रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं, आज से 3 साल पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, अगर आप 4 साल पीछे चले जाएं, और आपको कई चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ कुछ चीज़ों में बेहतरी आई है, कुछ चीज़ों में बेहतरी नहीं आई है, ठीक है. सो कई चीज़ें ऐसी हैं जो सही होने की तरफ जा रही हैं, यू नो, उसकी पॉजिटिव सेंस में उसको देखा जाए या पॉजिटिविटी हमें नज़र आती है, बट कई चीज़ें ऐसी हैं वो डिटेरिएट हुई है, वो डिटेरिएट होती जा रही है, नोज डाउन जा रही है. सो इट्स लाइक अ प्रोसेस जिसमें कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं, कुछ चीज़ें मज़ीद ख़राब हो रही हैं. सो इट्स इस प्रोसेस में कहीं पर फिल्टर लगाने की ज़रूरत है. फिल्टर जब तक नहीं लगेगा उस वक्त तक चीज़ें नहीं ठीक होंगी. फिल्टर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जहाँ पे अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो नज़र आती है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें थी वो डिटेरिएट हो रही है, उस पर फिल्टर अगर आप लगाएंगे तो हो सकता है वो मज़ीद जो है उसके उसकी डिटेरिएशन जो है वो उससे बचा जा सके. लेकिन इट्स अ प्रोसेस, उसमें आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी, बट सेक्रीफाइसेस से लोग तंग आ चुके हैं. हम कहते तो ज़रूर है जनाब सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं या सेक्रीफाइसेस होनी चाहिए, बट पीपल आर टायर्ड ऑफ दैट, पीपल डोंट वॉन्ट दैट, कि जी सारी जिंदगी सेक्रीफाइसेस अवाम ही देती रहे. क्यों भाई, अवाम ने कोई तो ठेका लेता है, कोई लेबॉर्टरी है कि लोग लेबॉर्टरी की तरह यहाँ पे अवाम के साथ तजर्बे करते रहे और अवाम जनाब कहें जी सेक्रीफाइस उसी देना है. नो, पीपल डोंट वॉन्ट दैट एनी मोर, वो नहीं चाहते. बिल्कुल सही जी. सलमान आबिद साहब की जाने में बढ़ूंगा. सलमान आबिद साहब, आप कैसे देखते हैं हर मामला, जिस तरह से अभी रान साहब ने बताया कि उठे और अदालत में ले गए, किसी ने कोई दरख्वास्त दायर कर दी, किसी ने कोई दरख्वास्त दायर कर दी, केस लग गया, दरख्वास्त खारिज नहीं हुई, चलता रहा. हमारे पास एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम जानते हैं कि अदालतों के पास कितने केसेस पेंडिंग हैं जो कि बहुत हाई इंपॉर्टेंस के हैं, इंसाफ के तकाज़े. तो ये लड़ाई अगर पार्लियामान में ही लड़ लें ये आपस में और शॉर्ट आउट कर लें, तो बेहतर नहीं होगा कि अदलिया वो फोकस उन तमाम चीज़ों पर करे और बाकी मामला स्पीड अप हो के फैसले जल्दी आएँ और ये आपस में शॉर्ट आउट कर लें, ये मेच्योरिटी आने की
इट्स हाई टाइम कि ये आ जानी चाहिए, लेकिन ये मामला ख़राब होता जा रहा है, क्या राय होगी आपकी? देखिए बात यह है कि जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी उस वक्त आती है जब आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं और आपके आपके सामने आपका जाती इंटरेस्ट के मुकाबले में नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखिए ना, अगर हमने हर मामले को लेकर कोर्ट में जाना है, यानी ये वाला मामला भी जो ओपन बैलेट और खुफिया बैलेट का था, ये पार्लियामेंट का काम था ना, पार्लियामेंट ने अपना काम नहीं किया तो हुकूमत उसको लेकर अदालत में चली गई। अब मसला ये है कि जो जंग पार्लियामेंट को लड़नी है जमहूरियत के नाम पे, सियासत के नाम पर, अगर वो हम कानूनी सहारों की बुनियाद पर अदालतों में जाते हैं तो फिर उससे अदालतें भी ये बार बार सवाल उठाती हैं कि जो काम आपका है वो आप कर नहीं रहे। अच्छा, अब सवाल यह कि मैच्योरिटी कब आती है? मैच्योरिटी आती है तो या आ जाती है या फिर 200 साल तक भी नहीं आती। मसला यह है कि हमारे यहाँ लोग जो है पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली ऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अनफॉर्चुनेटली ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, ये तो एक आदमी के गिर्द घूमती हैं, सब उसके लिए जी हजूरी करना शुरू कर देते हैं। तो जब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज और सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं होंगे उस वक्त तक आप ये चीजें नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात देखिए, हम जमहूरियत की बहुत बात करते हैं, हमारी सारी जमातें जो है आप जमहूरियत का बाविला मचाती हैं, लेकिन जो जमहूरियत है वो प्रीरिक्विजिट है आपकी पार्लियामानी डेमोक्रेसी के साथ। अब आप देख लें कि कैबिनेट कितनी इफेक्टिव काम करती है, आपकी स्टैंडिंग कमेटी कितना काम करती है, पार्लियामेंट कितना काम करती है, प्राइम मिनिस्टर कितने आते हैं वहां पर, वज़रा कितने आते हैं, यानी जब आपकी पार्लियामेंट जो है वो फंक्शनिंग में नहीं आती उस तरीके से जो पार्लियामानी जमहूरियत तकाजे हैं, तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि हम एक दुरुस्त ट्रैक के ऊपर चले हुए हैं? अभी भी हम कोई दुरुस्त ट्रैक हमने अपनाया वो नहीं है, हम अपने मफादात के तहत अपना ट्रैक एक लम्हे में बदल लेते हैं और एक लम्हे में चलते हैं। यानी आज अपोजिशन के लिए एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, कल कोई फैसला खिलाफ आएगा तो फौरी तौर पे कह देंगे कि एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत इसमें आ गई है। यानी एक रवैया हमारे यहाँ पॉलिटिकल मेच्योरिटी का, अनफॉर्चुनेटली चाहे वो गवर्नमेंट पार्टी हो चाहे वो आपकी अपोजिशन जमाते हो, हम ये सीख ही नहीं सके कि या नहीं है। सलमान आबिद साहब, दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल बिल्कुल राइटली सेड आबिद साहब, पॉइंट आ गया। मैं चॉइस साहब की भी जरा राय ले लूं। चॉइस साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को, और आप तो बहुत करीब से देख रहे हैं, काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, ये ऐसे ही था या अब इसमें तेज़ी आ गई है अदालतों की तरफ जाने में सियासी मामलों को लेकर, या माजी में भी ऐसे ही चलता आया और अब भी यही हो रहा है? आसान, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अदालत में जाना है इसको बाकायदा डिटरमिन किया गया है, तरीकेकार इसका रखा गया है, कानून ने भी रखा है और आईन ने भी रखा है। ऐसा नहीं है कि जहां कोई मुंह उठाए और चला जाए, क्योंकि जब वो मुंह उठा के जाता है तो आगे बैठी अदालत, अदालत के पास वो तमाम मेयारात मौजूद हैं। ये आर्टिकल 199 के तहत अगर वो जाता है तो उसके पास इख्तियार मौजूद है कि उससे रोकर स्टैंडाई पूछे कि आप कौन है, आपके को इसमें ग्रीवेंस क्या है और आपकी हैसियत क्या है इस केस के हवाले से, तो आप किस तरह आए हैं। और इसके बाद अगर 184 में जाता है तो 184 में भी बे इंतहा सवाल आते हैं, यानी जो आपको क्रॉस करने के बाद आप जा सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी इतना बड़ा क्वेश्चन है कि जो हम रोज फेस करते हैं और उसके लिए बड़ी बड़ी हेयरिंग होती है। ये अदालत की अपनी मर्जी है कि वो कहाँ अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना चाहती है और कहाँ नहीं होना चाहती। ये जो कुछ हुआ है ये आईन और कानून ने इख्तियार नहीं दिए, ये इंडिया में भी पाकिस्तान में भी सुओ वोटो ज्यूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल इतना बड़ा है पिछले सारे अरसे में, और यहाँ तक कि अदालतें बहुत ज्यादा आगे चली गई हैं। इसलिए ये सारी बात हमें लोगों से करने की बजाय अदालतों से ही रिक्वेस्ट करना होगी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये मामला पार्लियामान में क्यों नहीं होते, पार्लियामान में जो शख्स पहुंच जाता है उसके बाद उसके मामलात वहां और होते हैं। ये मामला बेसिकली किसी शख्स की पार्लियामान में पहुंचने की अहलियत से मुतल्लिक है। इसके लिए कानून जो है वो किसने इसे इंटरप्रेट करना है और किसने इसका फैसला करना है उसके लिए इलेक्शन कमीशन है, या अगर कोई इलेक्शन कमीशन के फैसले से नाला होता है और वो समझता है कि इसमें कुछ कानूनी शुक्म मौजूद है, ये प्रॉपरली नहीं किया गया है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, उसके बाद फिर उसमें हाईकोर्ट में जा सकता है, हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तो इस तरह ये जी अदालत का काम है कि वो अपना जिसे जो फिल्टर फरमाया है राणा साहब ने वो अदालत के पास है। अदालत इस तरह की लिटिगेशन को डिस्करेज भी कर सकती है, एनकरेज भी कर सकती है, तो हम तवक्को नहीं कर सकते अवाम से। अवाम तो बेचारे उनके केसेस तो पड़े, वो दरखास्तें दायर होती रहेंगी, लेकिन ये अदालत का काम। बिल्कुल राइटली सेट चॉइस, पॉइंट आपका आ गया। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़िर गुफ्तगू आपने सुनी आज के प्रोग्राम से, इतनी अरसलान खालिद को इजाजत दीजिए अल्लाह ने के पास।